गुड मॉर्निंग, क्लास 12, सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत खंड, प्रथमा पाठ, भोजस औदार्यम, भोज की उदारता, पहला अनुवाद। तदह कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजह प्राह देव, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति, राजा प्रवेश इति प्राह। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमावलोक्य अधमे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच, राजा तमावलोक्य प्राह कवे किम रोदिस इति। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद्गृह अस्थितिम। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद देखेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेश इति। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमावलोक के अध में दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणी मुमोच, राजा बोले प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी प्रसन्नता के आंसू बहाए। राजा तमावलोक के प्राह, राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिश इति, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मदगृहा अस्थितिम। तब कवि ने कहा, राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। श्लोक: अय लाजानुचय पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी शिशौ करुणो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मय छीणोपाय यदकृतम दिशा वस्त्र बहुले तदंत शल्यम मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचित। मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे के सदृश गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ। दूसरा व्याख्या: राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, त्वरितम गच्छ गेहम त्वद्गृहिणी खन्ना वर्तते, अन्यदा भोज श्री माहेश्वरम नमितुम शिवालयमभ्य अगच्छत तदा कोपि ब्राह्मण राजनम शिव सन्निधो प्राह देव। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद: राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने त्वरितम गच्छ गेहम त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, शीघ्र घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है, अन्यथा भोज श्री माहेश्वरम नमितुम शिवालयमभ्य अगच्छत तदा कोपि ब्राह्मण राजनाम शिव सान्निधो प्राह देव। भोज अगले दिन श्री माहेश्वर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, श्लोक देखेंगे। अर्धम दानव वैरिड़ा गिरिज यापेयर्धम शिव श्राथिर्धम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मिलत गंगा सागरम्ब्रम शशिकला नागाधिप क्षमातलम सर्वज्ञ तत्व मधीश्वर अत्व मगतम त्वाम माम तो भिक्षाटनम। शिव का अर्धभाग बैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में
चंद्रकला आसमान में तथा नागरा भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। तीसरा अनुवाद। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्म ददो अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्रा देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्रा। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस औदार्यम भोज की उदारता नामक पाठ से उद्गृत है। हिंदी में अनुवाद। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्म ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्रा देवी प्रभातम वर्णय इति सीता प्रा। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, श्लोक देखेंगे। विरल विरला स्थूला अस्तारा कलाविम सज्जना मन इव मुने सर्व त्रयव प्रसन्नम भुन्नव अपसरति च द्वांतम चित्ता अथ तामीव दुर्जन व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनु द्य मिनामीव। आसमान में बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के समान प्रसन्न हो गया। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। चौथा अनुवाद। राजा तस्य लक्ष्म दत्त्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इति ततः कालिदास प्राह। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस औदार्यम भोज की उदारता नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद। राजा तस्य लक्ष्म दत्त्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभातं वर्णय इत्ततः कालिदास प्रा। राजा ने उसे 1,00,000 रुपये देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति रीव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदस्य क्षणम छिड़ास्तारा निपृतय इवानुम धम्परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानामीव गुड़ा। पूर्व दिशा में सुमर यानी कि सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे जैसे पीली सुनहरी हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है, जैसे अज्ञानियों की सभा में विद्वान। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांत क्षण भर में छिड़ हो गए हैं। निर्धनों यानी कि धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक देती है, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा तितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्म ददो। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। यह पहला पाठ संस्कृत का समाप्त होता है। धन्यवाद।